दस की दस लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। परिवार का एक ही सदस्य कहीं से चुनाव लड़ेगा, चाहे वो हिसार से लड़ दे, चाहे महेंद्रगढ़ भिवानी से लड़ दे। जो लोग ये कहते थे कि हमें किसी की बैसाखी की ज़रूरत नहीं, आज उन्होंने आम आदमी पार्टी की बैसाखी पकड़ रखी है कि तीन तीन प्रदेश अध्यक्ष बदल गए, पांच पांच प्रभारी बदल गए। तो पिछले छः महीने से लगातार चुनावी मोड में ही हैं, लगे हुए थे, फील्ड में काम कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं। दस की दस लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और बहुत जल्दी उम्मीदवार घोषित कर दिए जाएंगे। मेरे तो मैंने बताया था कि कानूनी पेचीदगियां हैं, वो सुलझी नहीं है, तो मैं तो नहीं लड़ पाऊंगा। परिवार का एक ही सदस्य कहीं से चुनाव लड़ेगा, चाहे वो हिसार से लड़ दे, चाहे मैं कि कहां से किसको लड़ाया जाए। देखो, हर राजनीतिक दल चुनाव लड़ने के लिए नहीं, जीतने के लिए लड़ता है और हमारा भी यही प्रयास होगा कि हम मैक्सिमम सीटें जीतें। निरंतर इसी बात के लिए प्रयासरत हैं। बाकी तो प्रजातंत्र में फैसला जनता करती है, जनता के हाथ में है। कांग्रेस तो मैंने बहुत बार आपको कहा है कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे, उनके पास तो कोई मुद्दा तो है नहीं। वो तो जब हम गठबंधन हुआ तब कह रहे थे 5 दिन में टूटेगा, 10 दिन में टूटेगा, 4.5 साल तक समूथली चला। अब वो कह रहे हैं कि ये फिर मिली भगत करके लड़ रहे हैं। चुनाव कभी मिली भगत करके थोड़े लड़े जाते हैं। चुनाव मैदान में तो हर राजनीतिक पार्टी अपना अपना दमखम दिखाती है और वो कांग्रेस को धरातल पे दिखा देंगे कि कौन किसके साथ मिल करके लड़ रहा है। जो लोग ये कहते थे कि हमें किसी की बैसाखी की ज़रूरत नहीं, आज उन्होंने आम आदमी पार्टी की बैसाखी पकड़ रखी है और आज तक उनके उम्मीदवार डिसाइड नहीं हुए हैं, ना उनका पार्टी का संगठन है। पिछले 10 साल से आप निरंतर देखते हो कि तीन तीन प्रदेश अध्यक्ष बदल गए, पांच पांच प्रभारी बदल गए। हर दूसरे दिन मीडिया में जारी होता है कि 10 दिन में संगठन खड़ा कर देंगे, 15 दिन में कर देंगे। कहीं हुआ? अब भूपेंद्र हुड्डा जी सफाई तो इस मामले में देना, राजकुमार सैनी जी के मामले पे, जिसने सबसे ज्यादा जहर घोलने का काम जाति पाति का हरियाणा प्रदेश में किया। सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस